हाथ के सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास, कंधे के बराबर दोनों हाथ को रखते हैं, थोड़ा सा हल्का नीचे करिए हथेली को, हाँ ठीक कंधे के बराबर हो। इसमें अभी हम सांस को भरते छोड़ते हुए हाथ की जो अंगुलियां हैं उसको हम लोटा पकड़ने जैसा अभ्यास करते हैं, यानी अंगुलियों में जो जोड़ है उस जोड़ का अभ्यास हो रहा है। देखते हैं नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, जैसे ठीक लोटा पकड़ने का अभ्यास, फिर अंगूठे को अंदर ले जाकर जोर जोर से मुट्ठी बांधते हैं। लगाइए अंगूठा अंदर करिए, जोर से मुट्ठी बांधिए, हाँ कस कस के मुट्ठी बांधना है जोर जोर से। इसे भी आप 5 बार 10 बार अभ्यास कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अब दोनों मुट्ठी को गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज, कलाई को घुमाइए क्लॉकवाइज सांसों के साथ, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और थोड़ा सटा लीजिए दोनों मुट्ठी को एक जगह, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। 5 बार क्लॉकवाइज करिए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए, उल्टा घुमाइए उसको, घुमाइए, फिर बाएं दाएं करिए उस मुट्ठी को, खूब सांस भरिए, नीचे करिए मुट्ठी को, हाँ। अब हथेली खोल दीजिए, हथेली खोल के ऊपर नीचे करिए, हाथ एकदम सीधा रखिए, हथेली को आप ऊपर नीचे 5 बार करिए, उसी हथेली को बाएं दाएं करिए, उसी हथेली को गोल गोल घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कभी हम दही मथते हैं हाथ से मिलाते हैं ठीक उसी प्रकार। ये सब क्रिया तो भोजन बनाते समय खाते समय हो जाता था, लेकिन अब तो चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए हैं जिसका हम किचन में प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ पड़ रहा है। फिर अगला अभ्यास करिए,